दोस्तों, लंबा होना तो हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि जो इंसान लंबा होता है उसकी फिटनेस भी काफी अच्छी होती है। ऐसे में उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लड़कियां भी उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि लंबा होना अब इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि लंबे होने वाले इंसान के अंदर कैंसर के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं और उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, बल्कि वो 50 से 60 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और वहीं छोटे लोगों को देखा जाए तो छोटे हाइट वाले लोगों की उम्र 80 से 85 साल तक की हो जाती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है। दुनिया में लंबे लोगों को कई फायदे होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे लोगों के बीमार होने की संभावनाएं भी जल्दी होती हैं? एक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि लंबे लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन ने दावा किया है कि जिन पुरुषों और महिलाओं में 10 सेंटीमीटर अधिक लंबाई होती है, उनमें कैंसर होने की संभावना 10% तक बढ़ जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है जो व्यक्ति को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। स्टडी के मुताबिक लंबे लोगों में कैंसर की संभावना इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके शरीर में अधिक कोशिकाएं होती हैं। यही वजह है कि वो कैंसर से जल्द ग्रस्त हो जाते हैं। शरीर में कोशिकाएं ज्यादा होने की वजह से लंबे लोगों में मेलेनोमा का खतरा ज्यादा रहता है। इसी वजह से लंबे लोगों को कम हाइट वाले लोगों की तुलना में त्वचा संबंधित समस्याएं भी ज्यादा होती हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया है कि लंबी महिलाओं में पेट, मुंह और सर्विकल कैंसर का शिकार होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। जानकारी के मुताबिक महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 4 इंच और पुरुषों की 175 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 9 इंच मानी गई है। ऐसे में इससे अधिक हाइट होने पर महिलाओं को कैंसर का खतरा 12% और लंबे पुरुषों को 9% तक होता है। इसमें कोलन, किडनी और लिम्फोमा कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि कैंसर के बढ़ने की वजह से आपकी हाइट ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकती है। इससे बचने के लिए लोगों को नियमित रूप से एक्सरसाइज को अपने जीवन में खास कामों में जोड़ लेना बेहतर होता है। हाल ही में एक नए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि जिन लोगों की हाइट ज्यादा होती है या जो लोग लंबे होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टडी के मुताबिक लंबे लोगों में कैंसर की संभावनाएं इसीलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके शरीर में अधिक कोशिकाएं होती हैं। यही वजह है कि वो कैंसर से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों को अगर पहचान लिया जाए तो इसे खतरनाक स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों को जानने के बाद इसके उपचार में आसानी होती है। कैंसर के आम लक्षण हैं वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह में खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियां छोटे लड़कों के मुकाबले लंबे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं? दरअसल जब भी अरेंज मैरिज या रिलेशनशिप का सवाल उठता है तो अधिकतर लड़कियों की डिमांड लंबे हाइट वाले लड़कों की ज्यादा होती है। आमतौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियां लंबे हाइट वाले लड़कों से शादी करती हैं और रिलेशनशिप की बात आती है तो लड़कियों को लंबे लड़के ही ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर लड़कियों को लंबे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं। दरअसल एक शोध के मुताबिक देखा गया है कि लड़कियों को लंबे हाइट वाले लड़के इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो अपने आप को उनके साथ सुरक्षित महसूस करती हैं और उनके साथ सेफ जोन में रहना पसंद करती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किन चीजों की वजह से लड़कियों को पसंद आते हैं लंबी हाइट वाले लड़के। इतना ही नहीं, लड़कियों की चाहत होती है कि उनका पार्टनर उन्हें अपनी बाहों में उठाए क्योंकि इससे उन्हें शांति मिलती है। एक शोध के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि लड़कियां लड़कों की बाहों में ज्यादातर इसीलिए रहती हैं कि इससे वो अपने सारे दुख और दर्द भूल जाती हैं और प्यार भी उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता है। लड़कियों को लंबे हाइट वाले लड़के पसंद आने का दूसरा कारण ये भी है कि लंबी हाइट वाले लड़के किसी भी परिस्थिति में उनका बचाव एक बॉडीगार्ड की तरह कर सकते हैं क्योंकि लंबी हाइट वाले लड़कों के अंदर जोश ज्यादा होता है जिससे वे किसी भी परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। आमतौर पर लड़कियां सेल्फी की भी ज्यादा शौकीन होती हैं जिसकी वजह से वो खुद अच्छे से सेल्फी नहीं ले पाती हैं क्योंकि अगर उनका पार्टनर ही लंबा हो तो सेल्फी खुद ब खुद अच्छी आने लगती है। इसीलिए एक वजह यह भी है कि लड़कियां लंबे लड़कों को पसंद करती हैं।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, मानव शरीर की एक और बात आपको बता दें। क्या आप बता सकते हैं कि किसी आदमी की आवाज कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है, या फिर जब कोई आदमी चिल्लाता है तो उसकी आवाज अधिकतम कितनी दूरी तक सुनाई दे सकती है? ये सवाल सुनने और पढ़ने में अजीब तो लग ही रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। यदि कोई आदमी चिल्लाता है तो उसकी आवाज अधिकतम 180 मीटर दूर तक सुनाई देती है। क्या आप इस सवाल का जवाब पहले से जानते थे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव्य और गैस से संचारित होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो किसी वस्तु में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। जांच के लिए जब हम मंदिर में लगे घंटे को बजाते हैं तब उससे आवाज निकलती है। ये आवाज उस घंटे में हो रहे कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। जब घंटे को बजाते हैं और उसके बाद जब उसे छूते हैं तब हमें उसमें हो रहा कंपन महसूस होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना या मानना है कि ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबक। अब आपको स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी कि ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस द्रव्य, गैस या प्लाज्मा। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती। द्रव्य, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण अनुदैर्ध्य तरंग की तरह संचरित होता है, जबकि ठोस में ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग की तरह संचरित होती है। मनुष्य को ध्वनि कान के द्वारा सुनाई देती है। जब किसी कंपित वस्तु से ध्वनि निकलती है तो वो वायु के द्वारा हमारे कान के पर्दे के पास पहुंचती है। जैसे ही वो कंपित वस्तु की आवाज कान के पर्दे पर पहुंचती है तब कान के पर्दे में कंपन होने लगता है और हमें ध्वनि महसूस होती है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर शेयर करिएगा, और कॉमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी हाइट कितनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।